हाय फ्रेंड, मैं मोहन, टेक्निकल मोहनलाल जी में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने आया एक नई वीडियो नई टेक्निक के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा, नॉर्मली आपको ड्राइविंग लाइसेंस की फ्रेंड आपको ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली टू व्हीलर या थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर आप गाड़ी चलाते हैं तो उसकी रिगार्डिंग आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड। तो ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, आप कभी कभार होता है दलाल के थ्रू कराते हैं, और दलाल के थ्रू आपको नॉर्मली 2,500 या 3,000 रुपये आपको खर्च करते हैं पड़ते हैं फ्रेंड। और उसके रिगार्डिंग मैं आपको आज फ्री का एक ऐसा चीज़ बताऊंगा, आसानी से आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को फ्री में बनवा पाएंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से फ्रेंड। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, कुछ फ्रेंड हैं मेरे, जो नॉर्मली एग्ज़ाम देने से डरते हैं कि हम एग्ज़ाम में कभी आरटीओ पर जाते हैं, आरटीओ ऑफिस में हम जाके अप्लाई करते हैं, वहाँ जाके हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है तो एग्ज़ाम में हम फेल ना हो जाएं। तो मैंने फ्रेंड उसी के रिकॉर्डिंग ये वीडियो बनाई है। नॉर्मली आप आसानी तरीके से पहली बार आप जाएंगे तो पहली बार में आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे आसान तरीके से। कैसे हो पाएंगे फ्रेंड, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को आप फ्रेंड शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, जो आपको पूरी जानकारी आपको मिल पाए और आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस आप आसानी से बना पाएँ आरटीओ ऑफिस जाके। फ्रेंड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, नॉर्मली आप फर्स्ट टाइम जाएंगे और फर्स्ट टाइम ही आप अपना लाइसेंस बनवा पाएंगे फ्रेंड। तो कैसे बनवा पाएंगे फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिसके फ्रेंड ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, सब्सक्राइब के लिए रेड बटन पे क्लिक करें, बराबर में बेल आइकन है उस पे भी क्लिक करें और मेरी वीडियो सबसे पहले देखें, और नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को फ्रेंड। इसके रिकॉर्डिंग क्या करना होगा मैं बता देता हूं आपको। इसके रिकॉर्डिंग हमें जाना होगा अपने प्ले स्टोर पे। जैसे ही फ्रेंड हम प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं तो इसके हमें सर्च ऑप्शन में जाना है। सर्च ऑप्शन में हमें जाके लिखना है आरटीओ परीक्षा। इतना लिखने के बाद फ्रेंड टॉप पे हमारी ऐप आ जाएगी, उस ऐप पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देख लीजिए ऐप का इस टाइप का इंटरफेस आएगा जिस पे लिखा हुआ है फ्रेंड आरटीओ परीक्षा। और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देखिए 100,000 लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड कर रखा है फ्रेंड, और 4.3 की रेटिंग है। रेटिंग बहुत अच्छी दी गई है, बहुत लोग इस ऐप को यूज भी कर रहे हैं और इसका लाभ ले भी चुके हैं फ्रेंड। मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे यूजर भी जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो बगैर पैसे दिए ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बनवा पाएँ फ्रेंड। तो कैसे बनवा पाएंगे मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो देखिए जहाँ पे मेरा ओपन का ऑप्शन नज़र आ रहा है वहाँ पे आपका इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा फ्रेंड, उस पर क्लिक करके आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस ऐप को इंस्टॉल कर रखा है तो मेरा ओपन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आपकी इंस्टॉल हो जाती है तो आपका भी ऐसा ही ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, ओपन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप फ्रेंड ओपन पर क्लिक करते हैं तो आपके इस टाइप के चार ऑप्शन आपके खुल जाते हैं, जिसमें देखिए मैं बता देता हूँ, एक आ जाता है पर्सन बैंक, एक आ जाता है प्रैक्टिस, एक आ जाता है परीक्षा, और एक आ जाता है जैसे कि आपको किसी को शेयर करना है या कुछ करना है तो वो आप इससे शेयर कर पाएंगे फ्रेंड। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट से थर्ड ऑप्शन तक आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे आपको यूज करना होगा और कैसे आप अपने आरटीओ पे जाते हैं फ्रेंड। तो उधर आपको एग्जाम के लिए आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे बैठाया जाता है, तो आप कैसे आंसर आराम से दे पाएंगे फ्रेंड, कुछ भी नहीं है, आसानी से आप बिल्कुल आंसर दे के आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड बिल्कुल आसानी से। किसी को आपको पैसा देने की चलो जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, किसी दलाल के थ्रू आपको बनवाने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से आरटीओ ऑफिस जाइए, वहाँ से फॉर्म लीजिए और अपना फॉर्म फिल कीजिए, और वहाँ पे आपका एग्ज़ाम का टाइम आता है तो एग्ज़ाम दीजिए। फर्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम देंगे तो फर्स्ट टाइम आप पास हो जाएंगे इस ऐप के रिकॉर्डिंग। तो कैसे कैसे होंगे मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपका बैंक, ये पर्सन बैंक, पर्सन बैंक पे आपको क्लिक करना है फ्रेंड। ये पर्सन बैंक जो है फ्रेंड आपको जैसे कि देखिए इस टाइप की ऐड आ जाती है फ्रेंड, आपको ये ऐड नहीं देखनी है तो आप एक काम कर सकते हैं, अपना इसका नेट, अपने मोबाइल का नेट बंद करके आप इसे ऐसे कर सकते हैं तो आपकी ये नेट जो ऐड आती हैं वो शो नहीं करेंगे फ्रेंड। तो देखिए इस टाइप का पर्सन बैंक आपका ओपन हो जाता है। आप ये इधर जो दिखाए जा रहे हैं देखिए रेड निशान किस लिए होता है, रुकने के लिए। टाइप का निशान किस लिए होता है, जी इस टाइप का सारे के सारे ऑप्शन इसमें आंसर दिए गए हैं, उत्तर भी इसमें दे रखे हैं। आप देख लीजिए हरा कलर का जिस पे नज़र आ रहा है वो उत्तर है, ऊपर आंसर है तो नीचे उत्तर हरा कलर के में दे रखा है फ्रेंड।
तो इस हिसाब से फ्रेंड इसके अंदर आप इसमें आंसरों का पता कर सकते हैं, अपने सारे के सारे सवालों का करेक्ट याद कर सकते हैं। याद करने के बाद आपका आता है इसमें ट्रेनिंग, सेकंड ऑप्शन आ जाता है आपका प्रैक्टिस। आपको जैसे कि क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है तो आप इस पर क्लिक करें प्रैक्टिस पे। जैसे ही प्रैक्टिस पे क्लिक करते हैं तो फ्रेंड इस टाइप का आपका इंटरफेस आ जाता है। आप इसमें देखिए क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ऊपर क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन के बाद नीचे आपके तीन इसमें वो लिखे हुए हैं, तीनों में से कौन सा आंसर सही है आपका उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं इसमें से फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देता हूँ, देखिए बिल्कुल करेक्ट निशान निकला है, बिल्कुल करेक्ट मैंने जवाब दिया है। तो इसी हिसाब से आपको देखिए नॉर्मली आरटीओ ऑफिस में भी आपको ज़्यादा लिखना नहीं होता है, सिर्फ आपको क्लिक करना होता है, आपको माउस से सिर्फ उस पर क्लिक करना होता है, आपको आंसर पे सिर्फ क्लिक करना होता है, वहाँ से ऑटोमेटिक वो ले लेता है फ्रेंड। तो ऐसे ही मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, इस पर से नेक्स्ट करने के बाद दूसरा आंसर आता है। दूसरे आंसर के बाद देखिए ऊपर क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन के तीन वो लिखे हुए हैं, तीनों में से कौन सा सही है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने देखिए दूसरा भी क्लिक किया तो दूसरा भी मेरा राइट निकला फ्रेंड। तो इसी हिसाब से आराम से आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड। तो और भी मैं तीसरा आपको बता देता हूँ, तीसरा होता है आपका परीक्षा। जैसे कि आप नॉर्मली जाते हैं अपने आरटीओ ऑफिस में तो आपको दिया जाता है 40 से 50 सेकंड का टाइम, एक आंसर का देने का आपको 50 से 40 सेकंड दिए जाते हैं जिस आंसर का आपको जवाब देना होता है। तो हम इस परीक्षा पे आपको क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप परीक्षा पे क्लिक करते हैं तो फ्रेंड आपका इस टाइप का इंटरफेस आता है। देखिए ऊपर आपके राइट हैंड में आपकी सेकंड चालू हो गई है और नीचे देखिए आपको नज़र आ रहा है एक रेड कलर का ऑप्शन है जिस पर क्रॉस का निशान बना है और एक हरा कलर का ऑप्शन है जिस पर राइट का निशान बना है। आप राइट आंसर देंगे तो राइट हो जाएगा, हरा कलर पे हो जाएगा और रॉन्ग देंगे तो लाल कलर पे हो जाएगा। तो देखिए आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, नीचे लिखे हुए हैं इसके वो, इसमें से कौन सा आपका क्वेश्चन का आंसर सही है तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया फ्रेंड, देखिए ये रॉन्ग निकला, रॉन्ग निकलने के बाद देखिए नीचे आ चुका है रेड कलर में वन आ चुका है। अब इसमें इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद दूसरा आंसर आ गया। अब इसका कौन सा आंसर क्वेश्चन सही है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड देखिए ये मैंने दूसरे का भी गलत दिया है। तो इसी हिसाब से फ्रेंड ये तीसरा आ गया तो मैं तीसरे पे इस पर क्लिक करता हूँ फ्रेंड, तो देखिए तीसरा मेरा सही निकला, बिल्कुल आंसर तीसरा आंसर मैंने बिल्कुल सही दिया है उत्तर। तो देखिए हरा कलर पे वन आ चुका है। तो इस हिसाब से फ्रेंड आप इसमें अपने एग्जाम की ट्रेनिंग कर सकते हैं और अच्छी खासी अपने आरटी ऑफिस के रिकॉर्डिंग आप जो भी एग्जाम देने जाते हैं तो फ्रेंड इससे आप अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं और एक बार में आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। नॉर्मली फ्रेंड कुछ भी नहीं होता, मैं भी गया था, मैंने भी अपना लाइसेंस बनवाया था, नॉर्मली ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एग्जाम में, आपको 10 से 15 मिनट लगती हैं एग्जाम देने में और एग्जाम देने में ज़्यादा नहीं 15 से 16 जवाब आते हैं, 15-16 जवाब पे आपको क्लिक करना होता है और वो 15-16 जवाब आप इसके अंदर से ट्रेंड हो सकते हैं इस ऐप के रिकॉर्डिंग, क्या से क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है, लाल रेड निशान किस लिए होता है, ब्लू निशान किस लिए होता है, ग्रीन निशान किस लिए होता है, इस टाइप का पूछा जाता है तो उसके आपको आंसर देने होते हैं। तो इस हिसाब से आप अपना आराम से फ्रेंड इस ऐप के रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग करके आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा पाएंगे। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही फ्रेंड। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फ्रेंड, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में सबको सेंड करें जो इस वीडियो का सबको लाभ मिल पाए फ्रेंड। तो मैं कहना चाहूँगा प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मैं आपसे कहना चाहूँगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे एक रेड कलर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी टेक्निक वाली वीडियो पर डे अपलोड करता हूँ जो फ्रेंड आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। और जैसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड उसके बराबर में एक छोटा सा बेल आइकन आ जाएगा, उस बेल के आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जैसे ही आप उस बेल के आइकन पर क्लिक कर देंगे जब भी मैं कोई भी टेक्निक भरी वीडियो या कोई भी एजुकेशन या इन्फॉर्मेशन के रिकॉर्डिंग कोई भी वीडियो बनाता हूं तो उसकी आपको नोटिफिकेशन द्वारा आपको जानकारी मिल जाएगी और सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख पाएंगे। और फ्रेंड मैं आपसे कहना चाहूँगा आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना फेसबुक लिंक, मैंने अपना इंस्टाग्राम लिंक वगैरह, अपना ट्विटर लिंक वगैरह सब डाल रखा है, उस पर भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो मेरे कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम का हल निकालने की। तो फ्रेंड मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ, अंत करने से पहले कहना चाहूँगा आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और मैं आपके लिए ऐसी टेक्निक वाली वीडियो पर डे अपलोड करता रहूँगा।
तो फ्रेंड मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। अंत करने से पहले फिर कहना चाहूँगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। ओके, बाय बाय।